द्वैपायन विरहता तर आया नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद श्रोत श्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद श्रोत श्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रीलोक नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाविधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। माता जी तिलक देने वाले बैठ जाए कथा सुना। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महिमा। हमारे संत लोग बताए अगर भागवत ग्रंथ को महिमा समझना चाहते हो कहते चार दृष्टिकोण से भागवत ग्रंथ की महिमा को समझनी चाहिए। पहला नंबर है ये भागवत कथा कौन सुन सकता है। लेकिन श्री सुत गोस्वामी कहते हैं भले जन्मांतरी भवित पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम, भले वही व्यक्ति ये भागवत कथा सुन सकते हैं जिनकी करोड़ों करोड़ जन्मों का कोई पुण्य उदय हो। अगर कोई बोले हम तो इतना पुण्य किया है हम तो बड़े पापी हैं, फिर क्या ये भागवत कथा नहीं सुन सकते हैं। इसलिए जब तक पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री धुंधुकारी कोपर ने भी कथा सुन रहे थे। हमारी भारतीय संस्कृति है एक बार कोई गया में जा करके वहां पर भगवान का चरण चिन्हना, एक बार कोई पिंड प्रदान करके उसको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब गोकर्ण ने धुंधुकारी की पिंड दी गया में, जब घर में वापस आया देखा फिर धुंधुकारी भूत बन करके बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दिया तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतने पाप की है मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दे दो, कितना बार 100 बार भी पिंड दो तभी मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति मिली तो मिली कैसे, अरे भागवत कथा से। अगर कोई एक बार ये भागवत कथा में आकर के बैठ जाए, अगर धुंधुकारी जैसे पापी को अगर मुक्ति मिल सकती है पर हमें क्या मुक्ति नहीं मिलेगी। जरूर ये भागवत कथा से हमें ठाकुर जी के चरण में जरूर हमें भक्ति मिलेगी। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रीतम की, इसका तात्पर्य है पापी से पापी क्यों नहीं हो भगवत कथा से इसको मुक्ति मिलेगी। अगर कोई बोले अरे हम क्या कम जानते हैं, अरे सब गीता भागवत रामायण हमने पढ़ रखा है, ये सब सुनी सुनाई कथा हमें सुनने का जरूरत नहीं। लेकिन उदाहरण देते हैं हम सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े विद्वान नहीं हैं। सुखदेव गोस्वामी कैसे थे, जो मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे और जन्म होते ही जिनकी उपनय में संस्कार भी नहीं हुई, जो परम ब्रह्म ज्ञानी बन करके चले गए थे, एकदम ब्रह्म में डूबे हुए थे श्री सुखदेव गोस्वामी। लेकिन ये भागवत कथा की इतनी महत्व है, भागवत का एक श्लोक उनको पागल बना दिया। बोले बरहा पिडम नटवर बहु कर्णयो कर्णिकारम विप्रद वास कनक कपिशयम वैजयंती च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदये वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। हमारे श्री वाक्य बिहारी कितने सुंदर है ये श्लोकों को जो सुने, कहते हैं ना बांके बिहारी की देखे छटा मेरो मन है गयो लटा पटा बांके बिहारी
कभी कभी ब्रज गोपियां कृष्ण को ताना मारते हैं। बोले क्या ताना मारते हैं? बोले नंद लाला तू यदि बहुत लाली गला कट जाती करुण में, अच्छा हुआ तेरे को भगवान तुमको लाली नहीं बना करके लाला बना दिया। अगर तू लाली बनता तो इतने सुंदर पता नहीं सारा दुनिया तेरे पीछे सब पागल हो जाते। जब उन्होंने एक श्लोक सुना सुखदेव गोस्वामी सारे ब्रह्म ज्ञान को समस्त ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके सुखदेव गोस्वामी आए और पूरी ये भागवत कथा सुन। बोले तात्पर्य क्या है? बोले ज्ञानी से हम ज्ञानी क्यों नहीं हो तभी ये भागवत कथा हम सुन सकते हैं, क्योंकि भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होता है, कभी ठाकुर की कथा पुरानी नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले राम कथा जय सोना तघाई, राम कथा की सबसे बड़े कृष्ण राम कथा के रसिया श्री हनुमंत लाल जी। लेकिन श्री हनुमान जी क्या कहते हैं? देखो कथा सुनने का क्या नाम है, क्या महिमा है। नियम की ओर से आंसू बहाते हुए गदगद हो करके हाथ जोड़ करके प्रभु राम की कथा सुनेंगे, विश्राम हो जाएगा। कथा बोलने वाले, कथा सुनने वाले और कथा स्थल को प्रणाम हनुमान जी करते हैं और वहां का धूल को लगा करके तब हनुमान जाते हैं। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए? श्री हनुमत लाल जैसे कथा सुन क्या सुनाई नहीं, कथा सुननी चाहिए अज्ञानी बन कर, नहीं तो फिर क्या करेंगे हम? दोष देखते रहेंगे, उसमें दोष ढूंढते रहेंगे। इसलिए श्रोता बोले तीन तरह के श्रोता है। कितने तरह के श्रोता है? अरे बोलो जोर से, क्या किया? बोले एक श्रोता श्रोता और एक श्रोता। बोले भैया श्रोता कौन है? बोले आकर के देखेंगे कहां पर बैठने पर नींद बढ़िया आएगी, वो देख देख करके बैठेंगे जहां पर बढ़िया से सो सकते हैं। कहती ये श्रोता है, बोल देगा ना मैं इसको इनाम दूंगा। ध्यान देकर सुनो, पहला नंबर हंस। हंस को जैसे दूध दो, देखना वो दूध दूध को तो पी लेता है और पानी पानी। कथा कैसे सुननी चाहिए? जीवन में सार सार को तो ग्रहण कर लो और असार को छोड़ दो। दूसरा नंबर है मधुमक्खी। एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मक्खी कहाँ बैठता है? गंधी जी। मधुमक्खी बननी चाहिए। तीसरा नंबर है मछली। मछली को आप देखिएगा, कहते ये खीर समुद्र में रहता है। मछली को देखिएगा उसका पलक कभी नहीं चपती है, वो एकदम अपलक आंख खोल करके रखती है। मतलब जैसे वो खुली हुई आंखों से केवल दूध दूध को पान करते हैं। कथा कैसे सुननी चाहिए? आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके, आंख को खोल करके नींद नहीं आ जाए। इसलिए तक तक लगा कर कथा सुननी चाहिए। चौथा नंबर है चातक। ये चातक एक चिड़िया है, वो किसी नदी का पानी
नहीं तो किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो केवल स्वाद ही नक्षत्र का पानी पीता है, दूसरे पानी पिएगा नहीं। मतलब क्या है भैया, कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी की कथा सुनेंगे, ऐसे नहीं बैठ करके दुनियादारी की बात, इसकी छोरी वहां चली गई, छोरा वहां चला गया, बहु सास में लड़ाई हो रही है, बिना मतलब की बात में समय को नहीं गंवानी चाहिए, कथा सुननी चाहिए ठाकुर जी की। इसलिए बोले चार तरह के अच्छे श्रोता है और चार तरह के साधारण श्रोता है। बोले पहला नंबर है भुरुण, एक पक्षी है वो हिमालय पर्वत में रहते हैं। आज हम हिमालय पर्वत देखने गए थे इसलिए हिमालय पर्वत में रहते हैं। कहते ये पक्षी की स्वभाव है, इसको जैसे सुना होना वो ठीक वैसे सुना देगा, सुन भी लेगा सुना भी देगा, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर को पालन नहीं करेगा, सुनेगा सुनाएगा लेकिन पालन नहीं करेगा। दूसरा नंबर के ऊंट, इधर ऊंट क्या है, इधर तो ऊंट है ना, राजस्थान में ऊंट रहते हैं। आप देखना ऊंट को कोई सुंदर सुंदर कोमल कोमल कोई पत्ता दो, वो नहीं खाएगा, और ढूंढेगा कहां पर बबलू का पेड़ है, कहां पर काटा है, वो जाकर काटा पेड़ को खाएगा, अपना मुंह से खून निकलेगा और उसको ही पीता रहेगा। मतलब क्या है, जो भगवान की प्यारी प्यारी कथाओं को नहीं सुन करके जहां पर लड़ाई झगड़ा बात हो ना वहीं पर जाकर बैठ जाए, इसलिए उसको कहते हैं ऊंट। तीसरा नंबर है बैल, बलद, गैया। आप उसको बड़े सुंदर सुंदर फल दे हो, नहीं तो उसको घास भूसा दे दो, इसमें कोई फर्क नहीं समझता है। मतलब कृष्ण कथा हो नहीं तो दुनिया की बात हो, बाहर बैठ करके दुनिया की बात सुनने लग जाए। हाँ देखो ध्यान दे करके। चौथा नंबर एक भेड़िया, ये जो भेड़िया है वो छोटे जाति का एक बाघ होता है, चिंता बाघ जिसको कहते हैं। वो हिरण को कब आक्रमण करता है, बोले जब हिरण कोई सुलील शब्द को सुन करके कान को खड़े कर दे, ठीक उसी समय में ही ये बाघ उसका आक्रमण करेगा। मतलब क्या है, बोले खुद भी कथा नहीं सुनेंगे, जो पास में जो बैठे हुए व्यक्ति है उनको भी कथा सुनने नहीं देंगे, जो बिना कारण के कारण जो पास वाले व्यक्ति को भी बात करते रहेंगे, बिना कारण से सुनेंगे नहीं, दूसरों को सुनाने नहीं देंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोग समझ गए कि नहीं, देखो ये चौथा नंबर को ठीक से समझो, माताएं ध्यान दे करके, मतलब खुद भी कथा सुनना और दूसरों को भी कथा सुनने देना, पास वाले व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कहते ये अच्छे श्रोता है। और जो तीसरा नंबर जो श्रोता है, कहते ये श्रोता सोता नहीं, ये सरोता। बोले सरोता किसको कहते हैं, देखना एक कैची है जिसमें सुपारी काटते हैं। कुछ ऐसे श्रोता है वो कथा सुनने नहीं आते हैं, वो आते हैं दोष देखने के लिए। बोले यहाँ तो नवग्रह की पूजा की नहीं, केले का पेड़ कहाँ है, तोता तो है ही नहीं, वो केवल दोष दोष देखने के लिए आते हैं, जिनकी कथा से कोई भी मतलब जिनकी नहीं है। आप बताओ जिस समय श्री परीक्षित महाराज को अभिशाप लगा, जब परीक्षित महाराज सब छोड़ करके उन्होंने गंगा किनारा में आश्रय लिया, जब श्री सुखदेव गोस्वामी आए, बास आते ही सुखदेव गोस्वामी सिंहासन में बैठ गए और परीक्षित महाराज प्रश्न की झड़ी लगाए, बास सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाना शुरू कर दिया। वहां पर कोई आडंबर थोड़ी थी, कुछ नहीं, मुख्य है भगवान की कथाएं, जिस कथा से हमें ज्ञान का आहरण करनी चाहिए। ज्यादा आडंबर इधर उधर होगा तो उसी में ही मन लग जाएगा, भगवान की कथा में ही मन नहीं जाएगा। इसलिए वहां पर कोई आडंबर नहीं थी, केवल शुद्ध रूप में भगवान की कथा हो रही थी। इसलिए हमें सरोता नहीं बननी चाहिए, हमें श्रोता बननी चाहिए।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसका तात्पर्य है जो श्रीमद् भागवत कथा है सब सुन सकते हैं, ज्ञानी भी ज्ञानी सुन सकते हैं और पापी भी पापी कथा को सुन सकते हैं। बोले भैया भागवत सुननी चाहिए किससे? बोले कथा सुननी चाहिए वैष्णव से। इसलिए पद्म पुराण में एक श्लोक है बोले अवैष्णव मुखत गिरनम उत महरि कथा मृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथा पयो। बोले जो भगवान के भक्त है, जो वैष्णव है, जो वैष्णव मंत्र में दीक्षा लिए हैं, कथा उनसे सुननी चाहिए, अभक्त से कथा नहीं सुननी चाहिए। उदाहरण देकर समझाए, जैसे दूध, दूध पान करने से क्या होता है? क्षुधा निवृत्ति होगा, हृष्ट पुष्ट शरीर में ताकत आएगी। लेकिन वही दूध है अगर सांप ने अगर उसमें मुंह मार दिया, वो तो दूध है, आप बताओ पीने से क्या होगा? वो प्राण जाएगा। तो उसी तरह की जो भगवान की कथाएं जब हम किसी शुद्ध वैष्णव से ग्रहण करें, भगवान की भक्त से भगवत कथा सुने, वो क्या करेगा? हमें सीधा भगवान की धाम पे पहुंचा देगा, ठाकुर जी के चरण तक हमें पहुंचा देगा। उदाहरण दिया, जैसे समुद्र मंथन हुई, देवता और दैत्य मिलकर ये समुद्र मंथन की, लेकिन मंथन से पहले विष भी निकला और मंथन से अमृत भी निकला, दोनों चीज निकली है। क्या उसी तरह ये भागवत कथा से भी अगर कोई अवैष्णव से कथा सुनना, वो प्रभु की भक्ति को बाहर में नहीं बताएंगे, प्रभु की प्रेम का तरंग में नहीं ले जाएंगे, फिर तो इधर उधर चीज में भटका देंगे। लेकिन अगर भक्तों से कथा सुनेंगे, फिर हमें प्रभु की भक्ति तक, प्रभु का प्रेम तक पहुंचाएंगे, ठाकुर तक हमें पहुंचा देंगे। बोले भागवत का विषय वस्तु क्या है? बोले भागवत में जो विषय वस्तु है बड़ी हाई फाई विषय वस्तु, साधारण कथा भागवत में नहीं। बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम रमना काचित उपासना ब्रजवतो वर्गे न जा कल्पिता। बोले भागवत का जो विषय है जिसमें भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीला कथाएं, बड़ी ठाकुर की प्यारी प्यारी जिसमें कथाएं, और विशेष करके जिसमें श्री भगवान श्री बांके बिहारी की बड़ी सुंदर सुंदर दशम स्कंध में बड़ी सुंदर ठाकुर की लीला कथा जिसमें। बोले उनको भक्ति कैसे करनी चाहिए? बोले यद्यपि उनको पांच तरह के भक्त है, शांत दास्य सत्य माताएं हरे कृष्ण, आप लोग किधर आकर बैठ सकते हो? भाई लोग तो कोई बैठ नहीं रहे, आप लोग किधर बैठ जाओ? माता की संख्या ज्यादा है, आप लोग इस तरफ बैठ सकते हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोले इनको भक्ति कैसे करनी चाहिए? बोले ब्रज की गोपियां जैसे भगवान की भक्ति की, ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए नारद जैसे व्यक्ति भी, आप लोग बैठ जाए, इस पर बैठ जाए, बैठ 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 सब इधर बैठ। कहते नारद जैसे व्यक्ति, कहते उद्धव जैसे व्यक्ति जब ब्रज में आते हैं, जब ब्रजवासियों को प्रेम को उन्होंने दर्शन किया, ब्रज गोपियों को प्रेम को दर्शन की, उद्धव जैसे व्यक्ति भी कहते ना उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाए डुगडुग बाजे प्रेम की बोल। जहां पर उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिन ब्रज गोपियों की चरण की धूल को उन्होंने प्रार्थना की, उद्धव जी कहते हैं क्या कभी मेरे ऐसे सौभाग्य होगा ब्रज वृंदावन में त्रीना गुल्म औषधि नाम, वहां पर मैं घास भूसा बन करके जन्म लेना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले जब ब्रज की गोपियां
जब चल करके जाएगी, अगर घास बन रहेंगे तो गोपियों के चरण की धूल हमें मिलेगा। कहते वहां की लता बनना चाहते हैं, बोले क्यों? बोले कृष्ण जब कुंज कुंज में लीला करेंगे, अगर हम लता पता बने रहेंगे, ठाकुर जी को लीला का दर्शन हो जाएगा। वहां की औषधि वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते हैं, बोले क्यों? बोले कभी बीमार पड़ेंगे तो दवा तो लेंगे, कभी तो दवाई लेंगे, अगर औषधि वृक्ष रूप में जन्म लेंगे तो ब्रजवासियों की गोपियों के हृदय में चला जाए। इसलिए भागवत में जो विषय वस्तु है भगवान की सुंदर सुंदर ठाकुर जी की प्यारी प्यारी लीलाओं को वर्णना करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत को प्रारंभ करते हैं, कहते जन्मादस्य जतुर्नयादि करतस्य स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराज तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति चत सूरयो तेजो वायुमृतं यथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा ध्याना स्वेन सदा निरस्तभुवकं सत्यं परम धीमहि। सर्वप्रथम मंगलाचरण में भगवान का चरण को वंदना करते हैं। बोले भैया किसकी चरणों की वंदना करते हैं? कि जो पहला श्लोक है ये श्लोक को लेकर बड़ी झगड़ा हुई है, क्योंकि ये श्लोक में किसकी नाम नहीं दिए, केवल उसकी गुण गुण बताए गए। इसलिए जो शंकर जी को पूजा करते हैं, कहते भैया मंगला चरण में सुखदेव गोस्वामी शंकर जी को वंदना। अभी जो माता देवी को पूजा करते हैं, कहते उन्होंने माता देवी को वंदना की। जो गणेश जी की पूजा करते हैं, कहते श्री गणेश जी की उन्होंने वंदना की। लेकिन एक श्री वल्लभाचार्य हुए, बहुत बड़े संत हैं, वो कहते भैया पहला श्लोक में कोई देवा देवी को वंदना नहीं, यहाँ पर तो श्री बांके बिहारी को उन्होंने प्रणाम किया। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले भगवान श्री बांके बिहारी को प्रणाम किया। बोले कैसे? अब बांके बिहारी को कैसे बोल दिया? बोले श्लोक में क्या बताया? बोले सत्यंग परम धीमहि, कहते वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। इसलिए जिस समय भगवान कृष्ण ये देवकी के गर्भ में ठाकुर जी आए, वहां पर 33 पर्व देवता वहां पर विद्यमान, सारे देवता भगवान की स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी च सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक शरणम प्रपद्ये। ये सारे 33 पर्व देवता कह रहे हैं। बोले भैया परम सत्य कौन है? जो पहले थे, जो अभी भी है और जो बाद में रहेंगे। कहती ये परम सत्य कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र। लेकिन हमारी रस्सी में टीकाकार लोग कहते हैं क्या उन्होंने केवल कृष्ण को प्रणाम किया ना, और किसको प्रणाम किया? बोले नहीं, अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, कृष्ण को साथ में श्री राधा रानी को उन्होंने प्रणाम किया है। बोले श्रीमति राधा रानी की, क्योंकि राधा के बगैर कृष्ण आता है। इसलिए कल सुन रहे थे ना, आप वृंदावन में जाओ तो देखना कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं वहां पर। सबके सब क्या बोलते हैं? जोर से बोलो और जोर से। वहां पर सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। बोले क्यों? बोले राधा का नाम लेते ही कृष्ण वहां पर दौड़ दौड़ करके आते हैं, और राधा कृष्ण स्वयं कहते हैं चंद्रमा को, बोले मम नाम सत्यनापी,
राधा नाम सदूतमं जाग करोति सदा राधा ना जाने महिमा की। कृष्ण कहते हैं चंद्रमा अगर मेरे 100 बार कोई नाम को ले कृष्णा कृष्णा करके 100 बार नाम ले, अगर एक बार श्री राधा जी का जो नाम लेते हैं एक राधा रानी का समान एक नाम के समान कृष्ण के 100 नामों के बराबर है। इसलिए हम लोग जो हरे कृष्ण बोलते हैं ना हरे कृष्ण बोले के बाद सबके समय साथ बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जो हरे शब्द हम बोलते हैं ये हरे मतलब क्या है इसका मूल शब्द हरा। हरा मतलब होता है जो कृष्ण के मन के प्राण के चित्त को जो हरण करते हैं वो हरा बोले श्रीमती राधा रानी। और कृष्ण मतलब ये कृष्ण है हरे कृष्ण मतलब ये राधे कृष्ण है। इसलिए प्रथम श्लोक में इन्होंने श्री केवल उन्होंने कृष्ण को प्रणाम नहीं की श्री जुगल सरकार श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहता है अकेला कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए राधा रानी को साथ में कृष्ण को पूजा करनी चाहिए क्योंकि राधा के बगैर कृष्ण आधा है। बोले श्रीमती राधा रानी की कहते भागवत का जो मंगलाचरण का जो दूसरा श्लोक है कहते भागवत में प्रतिज्ञा ले आ। बोले भागवत क्या प्रतिज्ञा लेता है बोले धर्म प्रजीत कैतव अत्र परम निर्मत शरणं सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र शिवेदं तापत्रयोन्मीलनं। देखो ये भागवत कथा की कितनी महिमा जैसे ये रामलीला मंदिर में कथा हो रही है अभी आपको पता चला भागवत कथा होने जा रही है। आप अभी कथा में नहीं आए आप घर में बैठे हो कथा में नहीं आए लेकिन केवल आपको पता चला भागवत कथा होने जा रही है। ध्यान देखो अगर कोई व्यक्ति इतना मात्र सोच ले मैं कथा सुनने जाऊंगी नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा अभी कथा में नहीं आए घर में बैठे हो अगर इतना मात्र संकल्प मात्र से ही बोले सत्य हृदय अवरुद्धते। जैसे एक व्यक्ति एक घर को अंदर में जाए और अपने आप को कुंडी लगा करके बंद कर दे क्या उसी तरह कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही स्वयं भगवान बांके बिहारी उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते बंद जाते हैं खुद को उसमें बंद कर देते हैं उसकी हृदय से निकलने की रास्ता नहीं मिलती है। केवल जो सुनने की इच्छा मात्र रखे इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृतवा अनुमोदित। ये भागवत कथा की इतने महत्व भागवत कथा की बोले श्रुत अगर कोई कथा में आकर के बैठ जाए सुने अगर ये भी नहीं हो बोले अनुपठित अगर भागवत को कोई पढ़े इसलिए पद्म पुराण में तो यह बताया भागवत का एक श्लोक हो एक श्लोक नहीं हो आधी श्लोक हो आधी श्लोक नहीं हो एक चौथाई श्लोक अगर किसी घर में पठन पाठन हो कोई पढ़े उसको घर में स्वयं राधा कृष्ण दोनों इनके घर में निवास करते हैं इनके घर में ठाकुर का निवास होता है ठाकुर जी की। केवल जिस घर में पढ़ाई हो अगर किसको घर में ये केवल ग्रंथ हो भागवत ग्रंथ केवल भागवत ग्रंथ किसको घर में हो इसलिए पद्म पुराण कहते हैं उसको घर में ठाकुर का निवास है उसके घर में ठाकुर का निवास है। इसलिए नियम है रोज क्या करनी चाहिए
भागवत ग्रंथ गोपर में एक तुलसी पता ला करके भागवत ग्रंथ में रोज देनी चाहिए, ठाकुर जी के चरण में रोज देनी चाहिए। क्योंकि भागवत में जो द्वादश स्कंध है, यदि ये द्वादश स्कंध नहीं, ये ठाकुर का द्वादश अंक है। बोले पादौ जदियौ प्रथम द्वितीयौ, प्रथम द्वितीय स्कंध ठाकुर का दो चरण है, तृतीय चतुर्थ स्कंध ठाकुर का दो गुरु है, पंचम स्कंध भागवत की भगवान की नाभि कमल, षष्ठ सप्तम स्कंध भगवान की दो भुजाएं, अष्टम स्कंध भगवान की वक्षस्थल, नवम स्कंध ठाकुर की कंठ, दसम स्कंध ठाकुर की मुखारविंद, एकादश स्कंध ठाकुर की ललाट और द्वादश स्कंध ठाकुर का सर। ये भागवत नहीं, ये स्वयं श्री वाक्य बिहारी। बोले श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्रीमद भागवत कथामृत की जय हो। अगर कहीं कथा हो, अगर इतनी सी कोई बात बोल दे, बल आदरी तबा अनुमोदित, अगर कोई आदर करे भागवत कथा, बहुत अच्छी बात। बोले बहन मैं नहीं जा सकती हूँ, घर का काम काज को मैं संभाल लेती हूँ, तू जाकर भागवत कथा सुनकर आ जा। अगर इतना कोई बोल दे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जितने बड़े वो पापी व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर कभी देव द्रोह किया, कभी विश्व द्रोह क्यों नहीं किया हुआ, लेकिन सत्य पुनाति सत धर्मम, उसी समय में ही समस्त पाप से मुक्त होकर के भगवान की चरणों को प्राप्त करता है। अगर इतना कोई बोल दिया तो इतने महिमा ये श्रीमद भागवत कथा की। इसलिए भागवत प्रतिज्ञा करता है, क्या प्रतिज्ञा करता है, जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा उसको जरूर ठाकुर जी की चरण की जरूर प्राप्त होगी, ठाकुर का चरण। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भैया कथा कौन सुन सकता है, ये कथा को कौन सुन सकता है? बोले वही सुन सकते हैं जिनकी करोड़ करोड़ जन्मों का कोई पुण्य उदाहरण है। बोले हमने कोई पुण्य की नहीं, कथा नहीं सुन सकते। बोले केवल आओ और कथा में बैठ जाओ, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल कथा में बैठ जाओ, केवल कथा सुनते सुनते ही तुम सौभाग्यवान बन जाओगे। इसलिए संकट की पार्वती को क्या कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा परम अति हरि कृपा जा परम अति हरि I'm not afraid of the dark.
जो कुछ भागवत से प्रार्थना करोगे, ये जो सात दिन कथा सुन रहे हैं, ये पद्म पुराण में बताया, जो रोगी है भागवत उसको निरोगता प्रदान करती है, जो दुखी है भागवत उसको सुख प्रदान करती है, जो निर्धन है भागवत के साथ उसको धन प्रदान करती है, जिसको संतान नहीं घर में भागवत कथा सुनने से संतान प्रदान करती है। ऐसे कोई चीज नहीं जो ये भागवत कथा सुनने से आपको नहीं मिलेगी।
सब कुछ ये भागवत ग्रंथ देने वाले, लेकिन भैया कथा नियम से सुनना पड़ेगा। कैसे सुनना पड़ेगा? कथा को नियम से सुनना पड़ेगा। वाला ले ले तेरी कंठी वाला, भैया भूख में तो भजन भी कर सकते हैं। बोले अगर 7 दिन बिना भोजन नहीं करके कथा सुन सकते हो, बोले 7 दिन तक घी पी पी कर कथा सुन, बोले इतने पैसा कहाँ से लाएगी? घी और घी तो 2000 रुपया है, फिर पेट पतला हो जाएगा। बोले ऐसे नहीं सुन सकते। बोले अगर ऐसे नहीं सुन सकते हो, बोले 7 दिन तक फलाहार करके कथा सुन। केवल फलाहार करके, अभी तो नवरात्रि आ गए, मुझे लगता है माताएं अभी तो फलाहार करती होगी ना। कौन कौन कर रहे हो फलाहार में? कौन कौन रह रहे हो नवरात्रि में? कोई नहीं रहे हो? कदा अगर फलाहार से कथा नहीं सुन सकते हो, अगर इसमें दिक्कत हो, देखो सबसे बढ़िया नियम बताए, एक बार फलाहार करो और एक बार बढ़िया से भोजन करो। इसको सबसे बढ़िया बताया, एक बार फलाहार और एक बार बढ़िया से भोजन करो। बोले अगर इसमें भी कष्ट हो, बोले भैया जितना बार भोजन करना करो, लेकिन कथा को ठीक से सुनो, कथा को ठीक से ही कथा को सुनो। अगर ये भागवत कथा को मैंने बहुत बड़े बड़े जगह पर देखा, जो कुछ ये भागवत कथा से प्रार्थना की ना, जैसे कथा सुनो, हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबको प्रणाम करते हुए कथा स्थल को प्रणाम करते हैं। जब सबके सब चले जाते हैं हनुमान जी, फिर कथा स्थल को प्रणाम करते हैं, कथा सुनने वालों को, कथा बोलने वालों को प्रणाम करके फिर लास्ट में श्री हनुमान जी जाते हैं। अगर कोई सही सही ये भागवत कथा 7 दिन तक सुने, कहते भागवत से जो कुछ मांगोगे, भागवत समस्त इच्छा को तुम्हारी पूरी कर दे। इसलिए यहाँ पर बताए, बोले निगम कल्प तरु गलितम फलम। बोले ये भागवत क्या है? बोले ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। एक तो पका हुआ फल है ही है, लेकिन उसमें श्री सुखदेव गोस्वामी की मुखार बिंद से निकली, कहते उसमें श्री तोता ने उसमें चोंच मार दिए। कोई फल हो अगर उसमें कहा बता, अगर कोई तोता चोंच मार दिया ना उसमें, और चाहे पकने से पहले ला करके कार्बाइड का गर्मी में रख करके पका दिया, कहते जो फिर उसमें सुखदेव गोस्वामी की मुंह से निकली, फिर उस लाड़ प्यार करती थी और उसको अनार की दाना खिलाया करती थी। इसलिए ये कोई साधारण तोता नहीं, ये राधा रानी के प्रिय तोता। जब इसकी मुख से ये कथा निकली, उसमें और भी ज्यादा समृद्धि। नहीं फल को खाते हो ना, फल को पीते है? बोलो जोर से, खाते हो ना पीते हैं? फल को खाते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं पियो। बोले भैया फल को पीते हैं कैसे? बोले ये ऐसे के फल है जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली नहीं, जिसमें रसी रस है, जिसमें रसी रस है। जैसे अभी ये जो भागवत कथा रस को हम पान कर रहे हैं, जैसे कुछ किसी चीज को अगर हम पान करते हैं पीते हैं, आप बताओ तो किधर से पीते हैं? कौन बोलेगा? जैसे कोई जूस हो जो पीते हैं, किधर से पीते हैं? अरे बोलो किधर से पीते हो? मुंह से पीते हैं ना। लेकिन अभी जो रस को हम पान कर रहे हैं, हम किधर से पी रहे हैं? कानों से पी रहे हो? हाँ। बोले ये ऐसे के रस है जो रस को मुंह से नहीं पी जाती है, किधर से पी जाती है? कानों से। देखो मुंह से पीने का और कानों में पीने का क्या फर्क है? जैसे कोई चीज को अगर हम मुंह से पिएंगे, वो अंदर में हम उसको रख नहीं सकते, वो जरूर कहीं ना कहीं निकलेगा। लेकिन अगर किसी चीज को कानों से पिएंगे, वो निकलेगा? वो नहीं निकलेगा, तुम्हारे अंदर में ये टिकेगी। इसलिए कहते हैं ये रस को हम मुंह से मत पिया करो, किधर से पिया करो? कानों से। देखो जो कान बना हुआ ना, जैसे किसी दोड़े से कोई चीज को पीते हैं, ये कान देखो जैसे दोड़ा जैसे, मतलब भगवान ने ऐसे क्यों बनाए? बोले कृष्ण कथा रस को पान करने के लिए ठाकुर जी ये कान को दोड़े जैसे बनाए। बोले भैया ये कथा को खूब पीते रहो,
बोले भैया कब तक पिएंगे? बोले जैसे कि शराब देखना, तब तक शराब पीता है, जब तक पी पी कर बेहोश नहीं हो जाता है तब तक पीता है। बोले उसी तरह कथा रस को तब तक पीते रहो, पी पी करके जब तक तुम मूर्छित नहीं हो जाते हो तब तक ये कथा रस को तुम पीते ही रहो। बोले जब फिर बोले फिर भी फिर कथा रस को पियो, उसको छोड़ना नहीं, ये कथा रस को पीनी चाहिए। बोले भैया पीते तो है लेकिन निकल जाती है, हमारे अंदर में बहुत सारे छेद है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मदम आत्सर्य है, सब निकल जाती है, इधर से तो पीते हैं दूसरे तरह से ये निकल जाती है। हाँ, आप लोग से मैं एक प्रश्न करता हूँ, जो इसका उत्तर दे देगा ना मैं इसको इनाम दूंगा। ध्यान देकर सुनो, मैं एक प्रश्न करता हूँ सबको, ध्यान देकर सुनो प्रश्न को। जैसे कोई एक कलसी हो, घड़ा हो, घड़ा में छेद ही छेद है, अगर उसमें कोई अगर कोई पानी डालेंगे तो क्या होगा? निकल जाएगी, निकल जाएगी ना। लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही हमारे अंदर में जितने छेद क्यों नहीं हो, कलसी में जितने छेद क्यों नहीं हो, अगर उसमें कोई चीज डालोगे ना वो एकदम नहीं निकलेगी, उसको अंदर में टिकी रहेगी, ऐसे कौन सा उपाय है? कौन बोल सकते हैं हाथ उठा? जो सुनेंगे बोलो, नहीं सुनेंगे बोलो, कौन बोलेगा? कई नए लोग को बोलो, क्या बोलोगे? नए लोग कौन बोल सकते हो? बोलो जो नए लोग हैं, तुम तो सुन लिखना बोलो। हाँ देखो, ये चीज को अच्छे तरह से समझो, कितने बढ़िया बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। जैसे कि कलसी उसमें छेद ही छेद है, अगर उसमें पानी डालोगे तो निकल आएगी, अगर ये पूरा कलसी को पानी में अगर डुबो करके रख लोगे, भले ही उसमें जितने छेद हो फिर पानी निकलेगा, क्यों? ये कलसी ऑलरेडी पानी में ही डूबा हुआ है। इसका तात्पर्य है हम सबको अंदर में काम क्रोध लोभ लग है, लेकिन अगर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर कोई ये भागवत कथा रस में हर समय कोई डूबे रहे तो ये काम क्रोध लोभ तुम्हें जो बिगाड़ भी सकती है। वृंदावन बिहारी लाल की, आप लोग देख लेना जितना समय हम यहाँ पर बैठे हुए होंगे उतना समय हमारी काम क्रोध लोभ हमारी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन कथा से जब निकलोगे ना भले काम क्रोध आएगी लेकिन कथा में बैठते समय ये तुम्हारी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये कथा रस को कौन पान कर सकता है? बोले केवल दो व्यक्ति ये कथा रस को पान कर सकते हैं। बोले कौन है? बोले भावुक और रसी, यही दो व्यक्ति कथा को पान कर सकते हैं। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को क्या कहते हैं? बोले अति हरि कृपा जा पर होई, हरि कृपा जिसको ऊपर में पार्वती भगवान की डायरेक्ट कृपा हो जाए, पार्वती पाप देही असंकत सोई, वही व्यक्ति ये भागवत कथा सुन सकते हैं। इसका तात्पर्य है आप लोगों जो कथा सुने हैं ना
आज आप सबको ऊपर में ठाकुर का बलि चुका है, इसलिए आप लोग ताली बजाओ जोर से, ताली बजाओ जोर से। क्योंकि देखो रामनगर में कितने लोग, मतलब कितने लोग रामनगर में, लेकिन कोई क्या कथा सुनने आए हैं? कल बता रहा था ना, जब कृष्ण बंसी भट्टपति जो बंसी बजाए ब्रज में कितने लोग थे, लेकिन सब कोई आए नहीं, आए केवल ब्रज की गोपियां वहां पर आई है। इसलिए यहाँ पर तो कन्या ने बंसुरी बजाई भागवत की, लेकिन वो बंसुरी की आवाज सबको कान में नहीं गई। यहाँ पर जितने गोपियां बैठे ना, गोप बैठे हो, तुम लोगों को कान में ये बंसुरी की आवाज गई, इसलिए तुम लोग यहाँ पर आए, इसलिए और कोई यहाँ पर नहीं आए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे प्रभु जी आपके भजन सुनाएंगे, राधा रानी का चरण पड़ा पड़ा बाकी।
बच्चे कैसे रहे। ब्रह्मा जी बोले कोई चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहां गिरेगा समझना वो स्थान पवित्र है। कि वो चक्र जा करके गिरता है नमी सारे नमी,
और वहीं पर सौनक आदि ऋषि लोग बड़े दिनों से बैठ करके बड़े यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते 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 उनका हृदय तक भी जल गई, लेकिन मन में कोई शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुत गोस्वामी वहां पर आते हैं। उन्होंने सुत गोस्वामी को दर्शन करते हुए बोले, हे सुत गोस्वामी, बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कला बस्मीन युगे जना, बोले ये कलयुग में कैसे स्थिति है, बोले प्राय करके लोगों का परमाय बहुत कम है। सत्ययुग में लोग 100,000 साल जिंदा रहते थे, इसलिए लोग 10-10 हजार 20-20 हजार 7 हजार तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, इसलिए। लेकिन कलयुग में जब तृतीया युग आ गया, फिर वहां से एक सोना हटा दो हो गया 10,000। द्वापर युग आया तो एक सोना हटा दो हो गया 1,000। कलयुग आ गई, कलयुग आया तो उसमें एक सोना हटा दो कितना हो जाएगा, अरे बोलो कितना हो जाएगा, कोई कथा नहीं सुन रहे, कितना हो गया, 100 साल हो गया। ध्यान देकर कथा सुनो, देखो जैसे कथा सुनो ना, कथा भी सुनो, और जैसे घर में जाओगे जैसे बच्चों को भी कथा सुनाओ, अगर पत्नियां आए पतियों को भी कथा सुनाना। आज हमने सत्संग में गए थे भागवत कथा हैं, जब यहाँ पर बैठे कुछ कर ले करके जाओ, खाली झोली से नहीं झोली को भर करके जाओ, झोली को भर करके जाओ। इसलिए गोपियां कहती हैं जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, कोई अन्न छत्र खोल दे, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है, जो भगवान की कथा को दान करे, इससे बड़ा दान जगत में कुछ भी नहीं। इसलिए गोपियां कहती है भोरीता जना, जग सब बड़ा दान है कथा दान करना। इसलिए महाप्रभु का भविष्यवाणी है, क्या है, एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में गली गली शहर शहर में सबके सब भगवान के नाम जप करेंगे, सबके सब भगवान के नाम जप करेंगे, हर घर घर भगवान की मंदिर बन जाएगी, हर घर में ठाकुर को भजन और भक्ति पूजा होने लगेगी घर घर में, ठीक है ना, मन लगा कर सुनो। इसलिए कलयुग का परमाय हो गया 100 साल। अभी देखना कलयुग में कोई 100 साल भी जिंदा नहीं रहते, क्योंकि पहले हर चीज प्योर चीज होता था, अभी तो सारी चीज उसमें पता नहीं कैसे कैसे चीज बनती है, हैं हाइब्रिड दे करके, इसलिए अभी 100 साल जिंदा नहीं रहते हैं। इसलिए बोले प्राय अल्पायुष सभ्य कला बस्मिन युगे जना, बोले मंदा सुमंद मते। कलयुग का जीव का मन कैसे, बोले अत्यंत खराब मन, कलयुग है ना, मंद मन है। फिर ये इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गई, फिर स्मार्टफोन आ गया, फिर तो सबको खराब कर दिया है। पहले लोगों का समय होता था गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, लेकिन अभी समय हो तो टीवी खोल करके सांस फोन की लड़ाई में कोई फिल्म देखते रहो, पर स्मार्टफोन तो उससे भी अभी का जो नए बच्चों को तो सर्वनाश, ये स्मार्टफोन कर दिया है। इसलिए लोगों को अभी कलयुग में मंदा सुमंत मतयो, मंद भाग्य, अत्यंत मंद भाग्य कलयुग में होगा। फिर झुपद्रुता, झुपद्रुता मतलब क्या है, जैसे माताएं कथा में आई हो, कल बता रहे थे ना, जब ब्रह्मा जी कथा सुनने आए अकेले नहीं आए, ब्रह्मा जी को लेकर के आए, जब शंकर जी कथा सुनने आए अकेले नहीं आए, पार्वती को लेकर के आते हैं, जब देवता लोग कथा सुनने आए देवियों को लेकर के आए, क्यों, ये दोनों को ऊपर ये रंग चढ़े, भक्ति की रंग दोनों को ऊपर चढ़ेगा तो फिर दोनों भजन करोगे। इसलिए झुपद्रुत का मतलब, अगर जैसे आप लोग सत्संग में आए हो, थोड़ी सी ज्ञान मिलेगा, जीवन कितना दुर्लभ है, ये जीवन पा करके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, अगर थोड़ी सी माला जप करने लग जाओ ना, पति लोग क्या बोलेंगे, बोले कौन सा बाबा के चक्कर में पड़ गई तू, हैं पहले बोल सिनेमा में ले चलो घूमने, अभी जब देखो बोले सत्संग में चलो, हाँ माला लेकर बैठ जाती हो, पति लोग अगर आए, अगर इनको अगर रंग चढ़ेगा तो, अगर थोड़ी सी गीता भागवत लेकर बैठे, पत्नियां क्या बोलेंगी, कोई काम धाम नहीं जब तक गीता भागवत लेकर बैठ जाते,
लेकिन जब दोनों कथा सुनने आओगे दोनों को परिवर्तन चढ़ेगी, फिर दोनों भजन करोगे, दो पहिया भी गाड़ी चलती है ना। इसलिए यहाँ पे झुपद्रुता मतलब है कलयुग में साधन भजन के लिए इतने कठिन है। अगर बच्चे अगर थोड़ी सी सत्संग में जाकर के बुद्धि बदल जाए, परिवार बोलेंगे कि ये कोई उम्र है तेरे भजन करने का, अभी से जो कंठी तिलक माला अभी से क्या पकड़ लिया, ये रिटायर्ड लाइफ का समय अभी तक तू क्या पकड़ लिया, लेकिन इस सिगरेट का क्योंकि दारू पिया ना, बोले वेरी गुड बच्चे बड़ा एडवांस हो रहा है सिगरेट दारू पीगा, लेकिन अगर भजन में लग जाए तो बोले कोई उम्र तुम्हारी। बोले कलयुग में इतने उपद्रव भजन करने के लिए, तब श्री सोनकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं जीव का कल्याण कैसे, जीव का मंगल कैसे होगा। तब श्री सोनकादि ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को 6 प्रश्न की, कितना प्रश्न की आज मैं बोलूंगा, कल आपसे सुन लो, जो बोलेगा उसको मैं कल इनाम दूंगा, ये 6 प्रश्न किया है। देखो जो 6 प्रश्न की आधार है ये पूरी श्रीमद् भागवत, ये 6 प्रश्न का आधार है, इसलिए ध्यान देकर सुनो। एक एक जो प्रश्न है ना करोड़ों करोड़ रुपया की एक प्रश्न है। इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति देना, सामने एक समस्या, हम सोचते हैं किसी तरह से अगर ये समस्या हल हो जाए शांति मिलेगी, लेकिन देख लेना वो एक समस्या तो गई नहीं, सामने दूसरी समस्या गई। समस्या किसी तरह से दूर हो जाए, आप देखना दूसरी समस्या गई नहीं, तीसरी समस्या। जैसे हाथी दलदल में फंस जाती है ना, ऐसे करते 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 जिंदगी चली जाती है, लेकिन शांति सुख और हाथ में नहीं आती। लेकिन इनका प्रश्न है तभी शांति मिलेगी जब जीवन में भगवत प्राप्ति हो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के जगत में किसको शांति नहीं मिली। इसलिए गोस्वामी जी 7 उदाहरण दिए हैं, वो कहते हैं बारी मत है ग्री सिकता बिनो हरि भजन न भवत, ये सिद्धांत अपे। देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, अगर कोई रेती को पीस पीस करके कोई बोले तेल निकाल दी, आप बताओ रेती से तेल निकलती कि नहीं, निकलेगा। लेकिन गोस्वामी जी में फूल खिल गया, कभी फूल देखे आकाश में, बोले ये भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले बांज का बेटा हो गया, बांज इसीलिए तो बेटा नहीं है, बोले इसको भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले खरगोश के सींग आ गया, बोले ये भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले कछुआ के पीठ को मेरे बाल उठ गया, बोले ये सब बात मैं विश्वास कर सकता हूँ, मान सकता हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले हम भगवान की भक्ति कुछ नहीं करते, हम संसार में बड़े सुखी हैं, गोस्वामी जी कहते मैं कभी विश्वास कर ही नहीं सकता, कभी मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। इसलिए इनका दूसरा प्रश्न है कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है। बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। के केवल हमें कृष्ण कथा नहीं, उनकी जो अलग अलग अवतार है, जैसे भगवान राम आकर के उन्होंने कैसे जगत में मर्यादा को कैसे स्थापन की, कैसे उन्होंने रावण को मारे, भगवान नरसिंह देव कैसे प्रकट हुए, जब हिरण्यकश्यप उसको बेटे को बोले प्रहलाद बताओ तेरे ठाकुर कहाँ है, भगवान कहाँ है, प्रहलाद ने बताया ये भी तो बताओ मेरे भगवान है कहाँ नहीं, मेरे भगवान तो सर्वत्र कण कण में भगवान है। बोले श्री नरसिंह भगवान ये माता है, कोई जगह नहीं दे रही, कोई जग है, जोर से बोलो बोले श्री नरसिंह भगवान की जय हो। इसलिए कैसे श्री भगवान श्री वामन अवतार रूप में आए, बलि महाराज के ऊपर कैसे उन्होंने कृपा की, भगवान कैसे मत्स्य अवतार में उद्धार करते हैं, कुर्मा अवतार में समुद्र मंथन समय में ठाकुर कैसे पीठ के ऊपर में
ये मंद्राचल पर्वत को रख कर कैसे समुद्र मंथन हुई। इसलिए हमें भगवान की सारे अवतारों की कथा सुना, पंचम अवतार की, इसलिए हमें भगवान की पराक्रम की कथा सुना, और कैसे अजामिल ने ठाकुर को जो नहीं बुलाया था उनने अपना बेटा का नाम नारायण रख दिया था, और अंतिम समय में जमदूतों को देख करके एक बार मुंह में केवल नारायण शब्द आ गया, बस नारायण शब्द से ही मुक्ति मिल गई। इसलिए भगवान के अद्भुत पराक्रम की कथा सुनाओ। जो छठवां प्रश्न है, भगवान जब अवतार में उन्होंने जब प्रभु जगत छोड़ करके गए, अभी कलयुग में ये धर्म कहां पर आश्रय ग्रहण किया, आप कृपा करके हमें ये सारे कथा सुनाओ। ये प्रश्न सुन करके सुख गोस्वामी की रोग रोग के लिए उठा। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर संतों को पास में जाओ ना भैया, दुनियादारी की कोई बात मत करो उनके सामने, ये दुनियादारी की कोई बात नहीं करनी चाहिए, उनको पास में तुम भगवत चर्चा करो, हरी चर्चा करो। क्यों? हरी चर्चा में आनंद है, और दुनियादारी की जो चर्चा है ना उसमें दुखी दुख है। अब दो चार व्यक्ति बैठ जाओ, संसार की बात करने लग जाओ, ऊपर से पूछो कैसे ठीक ठाक, अंदर की बात पूछो, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, दुखी 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 सारे दुनिया की, उसको बात बोलो ना बुद्धि खराब हो जाए। लेकिन यहाँ पर जैसे आप एक दो घंटा बैठ, आप ठाकुर की कथा में आनंद ही संत घर छोड़कर यहाँ पर आए, आनंद ही आनंद है। इसलिए सुत गोस्वामी की रोम रोम खींच उठा, अरे बाप तुमने कितने सुंदर प्रश्न की, जिसकी प्रश्न की उत्तर में प्रभु की चर्चा लगा। किसके चरण को? श्री गुरु जी के चरण में, क्योंकि गुरु जी की कृपा के बगैर भगवान भी नहीं मिलते हैं। इसलिए भगवान राम है, अब बताओ राम भगवान का गुरु जी कौन थे? अरे बोलो कौन बोलेगा उसके गुरु जी कौन थे? भगवान राम का गुरु जी कौन थे? तो भूल गए, बोलो कौन थे? वशिष्ठ जी थे ना, रामायण देखे होंगे। जब जब भगवान राम को जो काम करते थे, सबसे पहले गुरु जी से प्रश्न करते, गुरु जी अब क्या करनी चाहिए, आज की बात बताओ। इसलिए गुरु जी की आदेश से पालना कर, ध्यान देकर सुना, माताएं कोई बैस करके बीच में बात नहीं करना, अलग ऊपर बैठ जाओ, देखो मैं ऊपर बैठा हुआ ना सब देख रहा हूं, इसलिए कोई बात नहीं करनी चाहिए। नियम है कथा सुनने की, जो जिसको जानते हो ना थोड़ी सी अलग ऊपर बैठ जाओ, तो संसार भी दुनिया की बात, यहाँ भी दुनिया की बात करो। इसलिए अब रामायण देखे होंगे, जब जब भगवान राम कुछ भी काम करते थे, वशिष्ठ के परामर्श से कोई भी काम नहीं करते, इसलिए इनका नाम गुरु है ना, गुरु मतलब क्या है, बोले गुकार अंधकार रुकार तस्य निरोधक, गुरु मतलब होता है गु मतलब अंधकार, अरू मतलब होता है आलोक, हमारे हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके जो
दिव्य आलोक का संचार करते थे गुरु जी। इसलिए इनके राज्य का नाम क्या था? अवध। क्या नाम था? अवध मतलब क्या? जहां पर कोई वर्ग नहीं। अयोध्या मतलब जहां पर कोई युद्ध नहीं होता है। भगवान क्या शिक्षा देते हैं? देखो, अगर गुरु जी की परामर्श से सारे काम करोगे ना, तुम्हारे घर में कोई मरेगा नहीं और तुम्हारे घर में भी अयोध्या बन जाएगा। घर में कभी युद्ध नहीं होगी, घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। इसलिए भगवान राम जो कुछ करते थे गुरु जी की परामर्श से, भगवान कृष्ण ही जब वो वृंदावन में रहे वहां पर श्री शांतिलरी से जो उनकी पूर्वपुरुष था है, जब वो मथुरा में गर्गाचार्य वहां पर थे, इसलिए जो कोई काम करते थे पहले गुरु जी की परामर्श से काम करते थे और जो गुरु जी हर समय उनको आध्यात्मिक शिक्षा देते थे, आध्यात्मिक शिक्षा देते थे, इसीलिए जगत में शांति सुख रहता था। लेकिन अभी कोई राजा का कोई गुरु नहीं है, सच सही रास्ता कौन दिखाएगा? तुम्हें सही रास्ता कोई दिखाएगा नहीं, क्योंकि दुनिया को बनाने वाला तो ठाकुर है। दुनिया को किसने बनाया? ठाकुर जी ने बनाया। अगर सब कुछ का मूल में अगर ठाकुर जी को रख करे करे ना, सब बढ़िया होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। और जिसने दुनिया को बनाया उसको ही एक तरफ में धर दिया, उससे कोई मतलब नहीं, पर तुमको शांति सुख कहां से हो सकती है? इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले उन्होंने श्री गुरु जी के चरण की उन्होंने वंदना की है, क्योंकि गुरु जी की कृपा के बगैर हम कभी भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हैं? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनो गुरु भव निधि तराई न कोई जो कोई अगर शंकर सम होई, शंकर अगर ब्रह्मा जी के बराबर कोई हो जाए, अगर जीवन में सद्गुरु ग्रहण नहीं किया तो भैया संसार से पार नहीं हो सकते, संसार से पार नहीं हो सकते हो। इसलिए सुतो गोस्वामी सबसे पहले उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया। देखो एक छोटी सी कथा सुनो, मन लगा कर सुनो, जो कथा सुनो ना उसको याद करो और सबको अड़ोस पड़ोस को सुनाना। देखो एक समय आप देखना पानी में एक चिड़िया रहता है, उसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हो, पानी में डूब करके मछली पकड़ता है। वो मछली पकड़ करके डायरेक्ट खाएगा नहीं, वो मछली को ऐसे ऊपर फेंकेगा, फिर जाकर चोंच में पकड़ कर फिर खाएगा। उसका एक कला है। एक व्यक्ति ने इसको देख करके बोले, बड़ा आश्चर्य की बात, पकड़ करके फेंकता और ठीक पकड़ करके फिर खा लेता है। उसने किया कि एक लकड़ी का उन्होंने चाकू बनाया, चाकू बनाकर वो ऊपर फेंकता है और उसको मुंह में पकड़ता है। प्रैक्टिस करते करते जब बढ़िया से प्रैक्टिस हो गया, उसने लोहे की चाकू बनाई, बना करके ऊपर फेंकता वो पकड़ता। ऐसे करते करते जब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया, जब देखता है कुछ एकट लोग है वहां पर, जोर से उन्होंने नागड़ा बजवाया, बजा करके जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और चाकू को ऐसे फेंकेगा और मुंह से पकड़ेगा। एक व्यक्ति ने कहा, धन्य है तेरे गुरु जी जिसने तुमको ये विद्या सिखाई, अद्भुत सिखाया है। इतने में उसने बोल दिया, थोड़ी मैंने किसी गुरु जी से सीखा, अपने आप मैंने सीख गई, बोले मैंने अपने आप सीख गया, थोड़ी मेरे को कोई कोई गुरु जी ने सीखा। आप बताओ उसके गुरु जी कौन थे? वो चिड़िया से सिखाए ना। देखना शराब भी जब कोई व्यक्ति पीता है ना, उसका कोई गुरु होता है। जब सिगरेट फूंकता है देखना, उसका भी कोई गुरु है। जो जुआ खेलता है सबका भी कोई एक गुरु है कि नहीं? गंदी चीज में भी एक एक गुरु। इसका गुरु कौन था? वो पक्षी था उसकी गुरु। अभी तक तक काम में सक्सेसफुल होता था। एक व्यक्ति ने बोला, भैया और एक बार दिखाओगे, और एक बार दिखाओगे। इतने में उसने किया कि चाकू को फेंका, जब पकड़ने के लिए गए ना, चुप गए तो उसका नाक में गिरा, सीधा नाक ही कट गई उसकी, उसकी नाक ही कट गई। बल्कि यहाँ पर देखो, साधारण एक चिड़िया से ज्ञान लेकर के जब उसने अपमान उसको कर दी, उसको नाक कट गई। और ये तो ब्रह्म विद्या है, ये भक्ति विद्या, ये ब्रह्म विद्या है, ये साधारण विद्या नहीं,
ये ब्रह्म विद्या। इसलिए श्री सुत गोस्वामी पहले अपना गुरु जी को प्रणाम किया, बोले मेरे गुरु जी कौन, बोले मेरे गुरु जी साधारण नहीं, बोले कौन है, बोले जम प्रभजन तम अनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायन विरह का तर आयु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदय मनिमान तुस्मि। बोले मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी, साधारण बच्चा माँ के पेट में 9 महीना रहता है, मेरे गुरुदेव 16 साल तक रहे, वहीं पर बैठ बैठ करके भजन कर रहे थे। व्यास देव ने कहा बेटा माँ को इतने कष्ट क्यों दे रहा, हम माता गर्भ में बच्चे धारण किए होंगे 9 महीना तो कितना कष्ट होता है, अगर कोई बच्चा 16 महीना रह जाए, अब बता 16 साल तक रह जाए बेटा क्या होगा। बोले माँ को इतने कष्ट क्यों दे रहे हो बेटा, बाहर निकल करके आ जा। बोले पिताजी बड़ा आनंद आ रहा है, गर्भ में बड़ा आनंद आ रहा है, भजन हो रहा है, कोई कुछ बोलने वाले नहीं, पर तो जन्म ले ले। बोले पिताजी मातृ गर्भ में हर बच्चा को जब 7 महीना हो बड़ा कष्ट पाता है, क्योंकि टाटी पे सबका थली पे रहता है, सर को नीचा करके प्यार को ऊंचा करके रहता है, हैं बड़ा कष्ट उठाता है बच्चा। 7 महीना में जब ज्ञान हो जाए भगवान को पुकारता, प्रभु मैंने पूर्व जन्म में इसे कौन सा पाप किया था, क्यों मेरे को ये नरक में आना पड़ा, मेरे को ये नरक से निकालो। ठाकुर जी कहते बताओ अभी क्या करोगे, बोले प्रभु एक बार आप जन्म दे दोगे ना, फिर ये घर गृहस्थी माया में मैं फंसूंगा नहीं, फिर तो दिन भर उठते बैठते तेरे नाम जप करूंगा, तेरे भजन करके संसार से पार हो जाऊंगा। बोले ऐसे नहीं, तुम कष्ट पा करके प्रतिज्ञा कर रहे हो, जन्म लेने पर भूल कर नहीं जाओगे, बोले प्रभु कभी नहीं भूलूंगा। बोले देख बेटा अगर तुम भूल जाओगे ना, मैं बीच बीच में तेरे को वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे, अब ध्यान करके सुनाओ, देखना जब एक बाल पकता है कहाँ से पकता है बाल, देखना यही से, ये कान के पास में बाल पकता है, मतलब कान में पहला बैल दे दिया। बोले बेटा तू भगवान से कसम खा कर गया, बाइका करके भजन करोगे, कितने समय भजन कर रहे हो और कितना समय टीवी और स्मार्टफोन में लगा हुआ हो, लेकिन उसका वार्निंग को हम नहीं सुनते हैं। एक जब बाल पक जाए ना, बोले इतना जल्दी हमें बुढ़ा बुढ़ी बना दे, देखना उखाड़ देता है बाल, फिर दूसरा बाल पक जाता है उसको भी उखाड़ देता है, लेकिन जब खिचड़ी बन जाए आधा सफेद आधा काला फिर कलर कर देता है, मेहंदी लगा कर फिर कलर कर देता है, उसको वार्निंग को नहीं सुनता है ये जीव। बोले तेरे को मैं दूसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले आंखों में कमजोरी आ जाए, फिर भैया गगले से चश्मा लगा कर देखता है। बोले तीसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले तुम्हारा जो दांत है ना एक एक करके तोड़ना शुरू कर दो, फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर के फिर दांत लगा कर टीका लगाता है। बोले मेरा कुछ भी नहीं हुआ। बोले तेरे को फोर्थ वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले 2 प्यार से 3 प्यार हो जाए, बोले डंडा पकड़ना शुरू कर, 2 प्यार से 3 प्यार कभी उसका वार्निंग है, क्या वार्निंग दे रहे हैं भैया, भगवान से बोल करके आए थे भजन करोगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को, संसार में किस लिए आए थे, बोले आए थे हरि भजन को, लेकिन ये कोटन न लगे कपास, हम उल्टा काम में लग पड़े, जो काम करने आए उसको पीछे लग दिया और जो नहीं करने आए उसको पीछे दिन भर लग। इसलिए एक एक वार्निंग है, भगवान कहते देखो पंचम वार्निंग नहीं दूंगा, फिर तो राम नाम, राम नाम सत्य है कर दूंगा, राम नाम सत्य कर दूंगा। इसलिए भैया समय रहते हमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, समय रहते कर लेनी चाहिए, ऐसे नहीं बुढ़ापा में करेंगे, जब किसी काम की नहीं रह जाएंगे तब करेंगे, नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति बचपन से, भगवान की भक्ति कौमार आचर्य प्राज्ञम, बोले 5 साल से प्रभु की भजन करना शुरू कर दो। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम। देखो आपको जितना हो सके यही पर आप कोशिश करके प्रभु को नाम को लेवाने के लिए हैं, जितना बार ले सकते उतना बार लाओ। भागवत कथा में एक बार जो ठाकुर का नाम लेगा ना उसको 100 बार नाम लेने का बल मिल जाता। क्यों? भगवान की कथा। और विशेषकर नवरात्रि चल रही, नवरात्रि चल रहे उसमें फिर 4 चांद लग गए। हाँ, और एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तब उन्होंने गुरु जी को प्रणाम करते हुए उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया है। पहले पहला प्रश्न किया था वो याद है किसको? और बोलो अभी 6 प्रश्न बताए ना हमने, 6 प्रश्न का पहला प्रश्न क्या था? कौन बोलेगा जोर से बोलो? हमारी जो साथ में आई वही बोल रहे, और यहाँ के कोई बोल नहीं रहे, लगता है कथा नहीं सुन रहे। ध्यान से कथा सुनो। पहला प्रश्न क्या था? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? देखो ये करोड़ रुपया की प्रश्न है, क्योंकि हम जीवन में सब शांति चाहते हैं। इसका उत्तर भागवत में दिया है, शांति कैसे मिलेगी? बोले सबई कुल सांग परो धर्म जत भक्ति रधोक्षजे आहाई तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसीधति। बोले आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब ये जीव प्रभु की शरण में जाए, क्योंकि जो जीव है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके सब भगवान के औलाद है, ठाकुर जी की संतान है। कहते हैं ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम। सब पानी के पानी है, पीने का पानी करो जी, भले भी आता बुद्धिमती महिला श्री राधा Oh,
Please.
सबई कुल सांग करो धर्मा जत भक्ति रदस्तजे आहाई तुकी अप्रदुता जय आत्मा संप्रसिद्धि। तभी ये आत्मा को संप्रसिद्धि मतलब है जैसे देखना जैसे कोई सुख संसार में आए थोड़ी समय के लिए आता है फिर देखना वो सुख कहाँ गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर हर समय के लिए शांति सुख चाहते हैं कभी दुख आए नहीं जीवन में सुखी सुख मिले तो क्या करना पड़ेगा बोले भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। आप लोगों ने रावण का नाम सुने हो यहाँ पर तो रामलीला होती है ना सब रामलीला देखने के लिए आते होंगे। हाँ ध्यान देकर सुनो हमारे मन में एक भावना बैठी हुई है अगर हमारे पास में ज्यादा पैसा होना सुखी हो जाएगी। आप बताओ रावण के पास में कितना पैसा था सोने की लंका थी ना हमारे पास में कितना सोना होगा 10 किलो होगा 20 किलो होगा ना 100 नहीं होगा ना। रावण का पूरा लंका ही सोना। हम फिर सोचते हैं अगर किसी अच्छी सुंदरी लड़की से शादी हो जाए सुखी हो जाएगी। रावण का पत्नी का नाम थी मंदोदरी। आपको पता है मंदोदरी का मतलब क्या होता है मंद मतलब होता है पतली उदर मतलब होता है कमर। उसी समय में वो विश्व सुंदरी विश्वकर्मा की बेटी एक पत्नी नहीं उसको कहीं भी सुंदर से सुंदर स्त्री मिला ना वो पकड़ पकड़ कर ला करके अपना पत्नी बनाकर रखा था। बेटा कौन था रामायण देखे होंगे मेघनाथ पिताजी की इतने आज्ञा कर देखे होंगे ना उसको पता चला लक्ष्मण कौन है ये भगवान है। जब उसको ऊपर में पाशुपत अस्त्र ब्रह्मास्त्र और उसको ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़े लेकिन उसको परिक्रमा करके सब अंतर ध्यान हो गए पता चला लक्ष्मण नर नहीं ये कौन है श्री नारायण है। पिताजी को समझाने के लिए आया पिता समझा पिता नहीं समझा पिताजी के आदेश पालन करने के लिए उसने अपना आत्मा बलि उन्होंने प्रदान किया है इतने आज्ञाकारी बेटा। लेकिन ऐसे बेटा रहते हुए भी अब रामायण पढ़ करके देखोगे जब शंकर जी से प्रार्थना करते हैं ना बोले हे भोले बाबा कदा सुखी भवामि अहम् जीवन में शांति सुख कब मिले मन में बेचैन सी है क्यों भगवान की भजन नहीं करता था। लेकिन वहां एक व्यक्ति चैन से जी रहा था बताओ तो एक व्यक्ति कौन वहां चैन से जी रहा था अरे बोलो कौन बोलेगा विभीषण वही चैन से जी रहा था ना। हनुमान ने पूरा लंका जला करके राख बना दी लेकिन किसके घर को उसने छोड़ दिया विभीषण घर को छोड़ दिया पूरा लंका समाप्त खत्म हो गया लेकिन बच गया कौन वहां पर कौन बच गया केवल श्री विभीषण वहां पर बच गया। शिक्षा देते हैं भैया भगवान की जब तक शरण में नहीं जाएंगे जब तक ठाकुर जी की शरण में नहीं जाएंगे मेरे तरफ से देखो जब तक ठाकुर जी की शरण में नहीं जाओगे ना भले ही जितने राज और ऐश्वर्य मिल जाए तुम्हें जितने सुंदर से सुंदरी पत्नी मिले जिसकी 1 लाख बेटे 1.25 लाख नाती जिसके भले ही दुनिया की सारी संपत्ति तुम्हारी घर में आ जाए भगवान की भजन नहीं करोगे तो कभी जीवन में सुखी नहीं बन सकते हो। ये जीवन गांठ बांध कर रख दो इसलिए बोले हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा हरि से विमुख होकर के किसी को सुख अभी मिली नहीं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं बोले सबई पुंसांग परो धर्म बोले पुरुष का सर्वश्रेष्ठ धर्म किया है बोले दत्त भक्ति अध्यक्षजे जो अध्यक्ष जो भगवान है जो माया से जो ऊपर रहते हैं जो भगवान की भक्ति करना ही यही जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है इससे बड़ा धर्म जगत में कुछ नहीं। आप बोलोगे मेरे बीवी बच्चे पत्नी परिवार उनके प्रति तुम्हारी कर्तव्य है धर्म नहीं तुम्हारी ये कर्तव्य तुम्हारी क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी
जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है, अंश होने का वजह से उसका कर्तव्य है ईश्वर की ही आराधना, ही उसकी एकमात्र कर्तव्य। आप बोलोगे हम तो सबके सब भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं, कर रहे भी नहीं, बोलो भक्ति कर रहे भी नहीं, सबके सब भक्ति कर रहे हैं पर शांति को नहीं। बोले भक्ति उन्होंने बताई दो तरह से करनी चाहिए, पहला लक्षण बताए अहि तुकी, भक्ति में कोई कामना वासना नहीं, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। इसलिए भगवान राम जब हनुमान जी के ऊपर प्रसन्न हो गए, क्योंकि सीता माता जी की पता लगा करके आए ना, बोले हनुमान जी तुम आज जो कुछ मांगोगे हम सब देने के लिए तैयार है, बोलो मेरे पास में क्या चाहिए। हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार बार भर मागो हरसी देहो श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। बोले प्रभु अगर देना चाहते हो एक ही बार दो, आपकी चरण में अनुपायनी मतलब निष्काम भक्ति, आपकी चरण की निष्काम भक्ति हमें प्रदान करो है अनुपायनी। लेकिन हमारी भक्ति कैसे, ध्यान देकर सुनो, जैसे ठाकुर के मंदिर में गए 10 रुपया की फूल की माला नहीं तो पूजा की कोई सामग्री लेकर के जाते हैं, ठाकुर को तो 10 रुपया की सामान चढ़ाते हैं, लेकिन ये पर्ची में कम से कम 10 करोड़ों की पर्ची होता है। ठाकुर जी हमारे घर के सामने देखो कितने बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं, अभी हमारे पास में साइकिल मोटर साइकिल हमारे गाड़ी दे दो, ठाकुर जी हमें 3 मंजिली मकान दे दो, ठाकुर जी हमें बेटी की शादी करवा दो, ठाकुर जी बेटा का शादी करा, क्या ठाकुर को नौकर बनाना चाहते हैं? मतलब 10 रुपया की चीज दे करके ठाकुर जी को, ठाकुर जी से 10 करोड़ चीज मांगना चाहते हैं? ठाकुर जी हमारे घर में आकर नौकर बन दो, बेटा का शादी करा दो, बेटी की शादी करा दो, दुकान मकान बना दो। कभी ये भक्ति नहीं, ये बिजनेस हो गया है, ये भक्ति नहीं हुआ है। आप बोलोगे हम तो घर गृहस्थी है, हमको तो चाहिए दुनियादारी धन दौलत चाहिए, ठाकुर को मांगने के लिए कोई जरूरत नहीं, ठाकुर सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। इसलिए कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। नरसिंह भक्त का नाम सुने होंगे, नरसिंह भक्त तो दिन भर भजन करता है, उसकी बेटी की बेटी शादी कैसे होगी? ठाकुर स्वयं वाक्य बिहारी श्याम सेठ बन करके जाते हैं, सांवरिया सेठ कृष्ण स्वयं बन करके जाते हैं। आप देखे होंगे लीला टीवी में सोने चांदी की बरसात होने लग गई, ऐसे धूमधाम से ठाकुर शादी कराए ना, अरब खरब पति भी बेटी को शादी ऐसे नहीं करा सकता। इसलिए ठाकुर जी की भजन करो, ठाकुर सब कुछ करते हैं, मांगने का कोई जरूरत नहीं ठाकुर जी को। नहीं तो उदाहरण दिया, जैसे एक व्यक्ति को पास में अगर बारंबार मांगोगे, बारंबार मांगोगे, देखना वो व्यक्ति अगर तुमको दूर से देखेगा ना वो रास्ता घुमा करके चला जाएगा। बोले क्यों, उसको सामने जाने पर मांगेगा? अगर ठाकुर जी को बारंबार मांगेगा ना फिर ठाकुर मंदिर छोड़कर भाग जाएगी ठाकुर जी। बोले जब जाओ देखो मांगो। इसलिए भक्ति कैसे होनी चाहिए, अहाय तुकी, भक्ति में कोई कामना वासना नहीं हो। हनुमान जी को देखो ना, प्रमाण देखो हनुमान जी को, आप बताओ हनुमान के पास में क्या नहीं है, रिद्धि सिद्धि वैभव सब कुछ उनके पास में, सब कुछ दुनिया को लुटाने वाले कौन, हनुमान जी। क्यों, जिनको भगवान की भक्ति जिनको मिल गई, भक्ति मिल गई तो सारी संपत्ति तुमको मिल जाएगी। बोले अहाय तुकी, बोले अप्रतिहता, भक्ति कैसे होनी चाहिए, बोले निरंतर जमा, जैसे शहद को डालो ना देखना उसमें एक धागा बनी जाती है, कहते भक्ति हमारी निरंतर जमाई, निरंतर भक्ति करनी चाहिए है। आप बोलोगे हम थोड़ी कोई साधु संत है और दिन भर ये माला को लेकर बैठ जाएंगे, हमारा भी तो घर द्वार है ना, अपना घर गृह सब कुछ है, थोड़ी हम दिन भर साधु जैसे दिन भर माला लेकर बैठ जाएंगे। देखो अच्छे तरह से समझो, ये माला लेकर के दिन भर बैठने का जरूरत नहीं है। आप बताओ गोपियां कहाँ थी, घर में थी ना, भागवत में जितने कथा आप सुनोगे सब राजा महाराज की कथा है, वो छोटे मोटे व्यक्ति का नहीं,
परिकीति महाराज, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, भरत महाराज, इनकी कथा भागवत में। ये सबके सब गृहस्थ थे, लेकिन घर में रहते हुए भी वो जो कुछ करते थे ठाकुर जी के लिए करते थे। पैसा खूब कमाओ, पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होगा। क्यों? पैसा लक्ष्मी है। क्यों पैसा कमा रहे हैं? बोले लक्ष्मी कमाने। बोले लक्ष्मी किसके? बोले नारायण। लक्ष्मी नहीं होगा तो ठाकुर को सेवा कैसे करेंगे? जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है, अगर पैसा नहीं होता तो हम कहाँ से कथा करते हैं? पैसा कमाओ, लेकिन क्यों? ठाकुर को सेवा करो, सुंदर घर बनाओ। बोले किसके लिए? बोले ये भगवान के दरबार, ये घर नहीं ठाकुर जी की मंदिर है, इसलिए घर में भी ठाकुर जी को बड़े सुंदर ठाकुर जी की मूर्ति को घर में स्थापन करो। ठाकुर को सेवा पूजा घर में हो। जिस घर में ठाकुर को सेवा पूजा हो वही वृंदावन धाम। घर में तुलसी की पौधा हो, इसलिए मीरा कहती है ना, आली मोहे लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को आली मोहे लागे वृंदावन जी को। जैसे गोपियां थी घर में झाड़ू लगाती थी, लेकिन कहां पर झाड़ू लगा रही है? बोले भगवान के दरबार में। अगर घर में धूल पड़ा होगा तो अगर ठाकुर जी घर में आएंगे ठाकुर जी के चरण में धूल नहीं लग जाए, इसलिए हाथों में क्या करते थे? झाड़ू लगा देते। लेकिन हाथों में तो सेवा करती थी, लेकिन मुंह में ठाकुर का नाम लेते थे, ठाकुर जी की नाम। हाथों में काम और मुंह में, बोलो मुंह में जोर से बोलो, ठाकुर जी के नाम। बच्चे को थपथप लगा करके सुलाते थे, बच्चे को तो थपथप लगा करके सुलाते थे, लेकिन मुंह में क्या गाती थी? बोले गोविंद दामो दर माधवे की, गोविंद दामो दर माधवे की, गोविंद दामो दर माधवे की, गोविंद दामो दर माधवे की। इसलिए हाथ में सेवा करती थी, मुंह में ठाकुर का नाम लेती थी, बड़ी सुंदर गोपियां श्रृंगार भी करती थी। बोले क्यों? बोले कृष्ण देख कर खुश हो, अच्छे स्नान करके अच्छे कपड़े पहनेंगे तभी तो ठाकुर को सेवा कर पाएंगे। इसलिए किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को भगवान की भक्ति में जोड़ो, किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं। कोई इतना काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, महाप्रभु कहते नहीं छोड़ेंगे। क्यों? दिया किसने? ठाकुर दिया। काम किसने दिया? ठाकुर ने दिया। बोले काम को कृष्ण कर्मार्पण, गोपियों के अंदर में काम थी तब तो कृष्ण को भजन की। बोले क्रोध जहां पर भक्त का ध्वसी हो, बोले लोभ, पर सत्संग में हरि कथा सुने, अगर लोभ नहीं होता आप थोड़ी यहां पर बैठते। बोले मोह, बोले भगवान की कीर्तन करो। बोले हर चीज को प्रभु की भजन में जोड़ दो। महाप्रभु कहते कोई चीज को छोड़ो मत, क्योंकि दिया ठाकुर ने, तुमने क्या लाए हो। हर चीज को प्रभु की भक्ति में जोड़ दो, बस भक्ति हो गई है। इसलिए बोले तभी आत्मा को शांति मिलेगी, जब ये शरीर को द्वारा मन को द्वारा सब कुछ जब ठाकुर की सेवा में लगा देंगे, प्रभु की भजन में लगा देंगे, तभी जीवन में शांति मिलेगी। जो दूसरा प्रश्न था, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, इसका उत्तर में कहते हैं भाई गेलो। बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अपोतभयम् योगिनाम नृप निर्मित हरे नामानु कीर्तनम्। भगवान ने कलयुग में सबसे सरल उपाय रख दिया। बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा परिश्रम मत करो, केवल भगवान के नाम को जप करो। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले कलयुग के बलना कलयुग के बलना कलयुग के बलना कलयुग के उतर ही सारा तुम्हें।
ना परम मंगल हो जाएगा। इसलिए कलयुग में हरिनाम करनी चाहिए। हमारे बीच में श्री गौर सुंदर प्रभु जी आपको कथा सुनाएंगे कलयुग में क्यों ठाकुर जी हरिनाम रखे, इसका क्या रहस्य था, और कोई धर्म किस लिए नहीं रखे, इसी विषय पर प्रभु जी कथा सुनाएंगे। इसको बाद में कथा सुनकर सब जाओ और 10-15 मिनट समय दे दो, ठीक है? 10-15 मिनट में कथा को विश्राम दे दो, कोई मत जा, कथा को बीच में नहीं उठनी चाहिए, ठीक है ना? हनुमान जी से कथा सुनो, कथा से पहले आओ बाद में जाओ। तस्मै श्री गुरुवे नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तवृन्द सभी बार हाथ उठाकर बोलिए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार आप लोग बोलिए मैं सुनूंगा, बोलिए सभी बोलो हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। जो लोग पीछे बैठे हैं ना अभी बोल नहीं रहे हैं, देखो ये महामंत्र लेने से अगर आपका कुछ नुकसान होता है तो मैं भरपाई कर दूंगा, मुझसे ले जाना कथा के बाद में, कुछ लाभ होता है तो सब आपका। एक बार सभी हाथ उठाकर दोबारा बोलिए बोलो हरे कृष्णा सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमारतम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। श्री श्रुत गोस्वामी ने जब श्रीमद भागवत ग्रंथ के प्रारंभ में श्री हरिनाम और कलयुग के अंदर भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन का वर्णन किया है, उस समय पर कहते हैं कि एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकूत भयम् योगिनाम नृपनिर्णीतम हरिनामानुकीर्तनम्। कि भैया यदि कोई प्रश्न करे कि हम ठाकुर जी का भजन करेंगे, कृष्ण का भजन तो केवल वही लोग करते हैं जिनको मुक्ति चाहिए, जिनको इस संसार बंधन से मुक्ति चाहिए, वो भगवान कृष्ण का भजन करके और भगवत लोक को चले जाते हैं। किंतु यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कहते हैं अकाम अर्थात जिसको इस जड़ जगत की, जिसको इस संसारिक वस्तु कुछ भी नहीं चाहिए, जिसके हृदय में सारी कामनाएं दूरीभूत होकर पूर्ण रूप में निर्मल हो गया है, वो क्या करेंगे? बोले भगवान का नाम ग्रहण करेंगे। अकाम सर्व काम अर्थात जिनके हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं, जिसको धन दौलत पुत्र परिवार यश कीर्ति प्रसिद्धि इस संसार की समस्त वस्तुएं चाहिए, बोले सर्व काम वो व्यक्ति भी क्या करो? बोले भगवान के नाम का ही आश्रय लो। और मोक्ष काम उदारथी यहां तक कि इस जगत की बात छोड़ दो, वो पर जगत जो भगवत लोक और मुक्ति पाना चाहते हैं वो लोग भी क्या करो? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पर। कहते हैं कि प्रभु परम पुरुष भगवान कृष्णचंद्र की भक्ति ही एकमात्र आपको वो सारी वस्तुएं प्रदान कर देगी अनायास ही। आप देखो सत्युग के समय पर लोग तपस्या करते थे, आप लोगों ने हिरण्यकश्यपु का नाम सुना है? हिरण्यकश्यपु के विषय में सुना होगा ना, प्रहलाद महाराज के पिताजी, उन्होंने 60,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होके, सिर्फ पैर नहीं पैर के अंगूठे पर खड़े होके ऊर्ध्वमुखी आकाश की ओर मुख करके और उन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या करी। क्या आज के समय पर वैसा संभव है? आज के समय पर वैसी तपस्या संभव है? संभव ही नहीं, लोगों की इतनी उम्र ही नहीं होती। अगर प्रश्न करो कि त्रेता युग के समान हम यज्ञ करेंगे,
प्रभु राम का जन्म यज्ञ से हुआ था ना, यज्ञ से खीर का चरु निकला था, वही तीनों माताओं ने खाकर चारों भाइयों का जन्म हुआ है। यदि कोई प्रश्न करे कि हम त्रेता युग की भांति यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, तो वो भी संभव नहीं। कहां से शुद्ध सामग्री लेकर आएंगे, कहां से शुद्ध ब्राह्मण लेकर आएंगे जिनका उच्चारण शुद्ध हो, उसके बाद में यज्ञ कुंड के सामने घंटों घंटों तक बैठकर स्वाहा स्वाहा करते करते खुद ही स्वाहा हो जाएंगे, है ना। ऐसी भीषण गर्मी के अंदर यज्ञ करना भी संभव नहीं है। यदि कोई प्रश्न करे कि हम भगवान का अर्चन करके उन्हें प्रसन्न कर देंगे, कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं कलयुग के अंदर सबसे सहज उपाय है क्या, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सब जगत निस्तार, नाम बिना कली काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नामेव शास्त्र मर्म। कहते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, अरे भगवान राम तो त्रेता युग में एक बार अवतरित हुए थे, भगवान मत्स्य देव ने सतयुग में एक बार अवतरित होकर वेदों का उद्धार किया, लेकिन कहते हैं जब जब भी एक साधक ये कृष्ण नाम ग्रहण करता है तब तब भगवान उस जिह्वा पर उत्तीर्ण हो जाते हैं, तब तक ये जिह्वा बन जाती है भगवान की माँ और भगवान उसी स्थान पर जन्म ग्रहण करते हैं। इसीलिए क्या करो, बोले कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में एक ही बार आए, अपने परिकरों के साथ में आए थे, उनके साथ में लीला विलास करके चले गए, उन्होंने कितनों का उद्धार किया। यदि प्रश्न करो कि दैत्य लोग जिनको मारा था उनको मुक्ति प्रदान करी, तब कहते कि नहीं नहीं वो तो भगवान के परिकर ही थे, उन्हीं के साथ में लीला करने के लिए आए थे और लीला करके पुनः चले गए। लेकिन भगवान का नाम देखो, हम जैसे पापियों का भी उद्धार करने के लिए एकमात्र भगवान का नाम। इसलिए कहते हैं भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, नाम नाम कारी बहुदा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देव दृश्यम मिहाजनी नाना अनुराग। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि भैया मैंने जो मेरा ये नाम दिया है ये कृष्ण नाम, ऐसा मत समझो कि इसके अंदर कोई शक्ति नहीं, मैंने अपनी सारी शक्ति इस नाम के अंदर भर दी। आप विचार करके देखो, कल सुन रहे थे ना, जब वानर लोग पुल बना रहे थे उन्होंने किसके नाम का आश्रय लिया, प्रभु राम के नाम का आश्रय लिया ना। स्वयं प्रभु राम जिन पत्थरों को फेंक रहे थे वो पत्थर डूब जा रहे हैं, लेकिन जिन पत्थरों पर भगवान का नाम लिखा हुआ है उन नाम के कारण उन पत्थरों में भी इतनी शक्ति आ गई कि पानी पर तैरने लगे। विचार करके देखो, पत्थर कभी पानी पर तैरता है, लेकिन वो पत्थर भी तैरने लगे जिनके ऊपर भगवान का नाम लिखा है। प्रभु राम को समुद्र पार करने के लिए पुल की आवश्यकता पड़ी कि नहीं, लेकिन वहीं पर हनुमान जी केवल मात्र जय श्री राम ये राम नाम लेकर ही भवसागर को छलांग करके पार कर गए, लंका पहुंच गए एक छलांग में, किसके नाम का आश्रय लेके, भगवान के नाम का आश्रय लेके। इसीलिए कहते हैं हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान से भी ज्यादा शक्ति भगवान के नाम में विराजमान है ना। जल डूबत गजराज पुकारो आए आधे नाम श्री राधे राधे, जल डूबत गजराज पुकारो आए आधे नाम श्री राधे, नाम को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा। आपने सुना होगा प्रसंग भागवतम के अंतर्गत, जब वो हाथी जल विहार करते करते उस तालाब के अंदर डूबता जा रहा था, मगरमच्छ ने क्या किया था, उसका चरण पकड़ के और उसको अंदर की ओर खींचने लगा। अभी खींचते 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 केवल मात्र उसकी सूंड बाहर रह गई, और सूंड बाहर रह गई वो भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है। वहां पर एक कमल पुष्प था, उस कमल पुष्प को लेकर और ऊर्ध्वमुखी करके और केवल मात्र उसने नारायण पूरा नाम भी नहीं उच्चारण किया था, नारा
केवल आधा नाम ही उच्चारण किया था, लेकिन तब पर भी क्या हुआ, प्रभु नारायण को वैकुंठ परित्याग करके तत्क्षण वहां पर उपस्थित होना पड़ा, उपस्थित होकर और उस मगरमच्छ का गर्दन काट दी, प्रभु ने उस हाथी का भी उद्धार किया। किस लिए? केवल मात्र भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण किया। इसीलिए कहते हैं नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं मेरे इस नाम में बड़ी शक्ति है, भगवान का नाम लेने मात्र से ही भगवान वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। गजराज की सहायता करी, द्रौपदी की सहायता करी, अरे शास्त्रों में तो अनेक अनेक प्रमाण है, शिक्षा लेने के लिए तो एक दो ही बहुत है, और उसके बाद में विशेष स्मरणे ग्रहणे न काल। मैंने ये भी नहीं कहा कि तुम मेरा नाम केवल मात्र सुबह सुबह स्मरण करना, नाम जप करने के कोई निर्दिष्ट काल नहीं रखा। भगवान ने ये नहीं कहा कि जब पवित्र अवस्था में हो नहा धोकर तभी मेरा नाम जप करना, जब भी नाम, जब भी तुम्हारा स्मरण हो तब भी भगवान का नाम जप करो, पवित्र अपवित्र अवस्था में भगवान का नाम ले लो, कोई दोष नहीं है। लेकिन हम इतने दुर्भाग्य जीव हैं, ये कलयुग का जीव इतना दुर्भागा है, कहते हैं कि सुलभम भगवत नामम, ये भगवान का नाम इतना सुलभ है ये जीवा, इससे हम अगर चाहें तो भगवान का नाम ग्रहण कर सकते हैं। ये जीवा हमारे वश में है ना, इस जीवा से यदि आप कहो कि राम राम कृष्ण कृष्ण बोलो, ये जीवा राम राम कृष्ण कृष्ण कहेगी। यदि इस जीवा से इस संसार की बातें लग जाओ, इसकी बहू के साथ में ऐसा हो गया, उसका बेटा इसकी बेटी को लेकर भाग गया, उस जड़ जगत में ऐसा हो रहा है, आज मूवी में मैंने ऐसा देखा था, अगर संसार की बात करोगे तो संसार में रमा देगी, लेकिन भगवान का नाम लोगे तो यही जीवा आपको परलोक का रास्ता दिखा देगी। इतनी सुलभ है ये भगवान का नाम, और तब पर भी हम ये नाम ना लेकर क्या करते हैं, अपने लिए नरक का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इससे ज्यादा कल्याणकारी और क्या होगा, मैंने भगवान के, मैंने अपने नाम में सारी शक्ति संचरित कर दी, ग्रहण करने का कोई निशेष काल भी नहीं रखा, तब पर भी ये जीव भगवान का नाम नहीं लेना चाहता, मेरा नाम नहीं लेना चाहता, ऐसा दुर्भागा जीव है कलयुग का। इसलिए क्या करना चाहिए? बोले भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करो। जिन्होंने इस भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण किया है उन लोगों की ही जय जयकार हो रही है। आज देखो हनुमान, मीराबाई, नरसिंह भगत सभी लोगों को जानते हैं, इन भक्तों को सबको ही जानता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण किया। बोलो श्री हरि नाम प्रभु की। और विशेष करके इस नाम को ग्रहण करने की शास्त्र में एक पद्धति बताई है, एक विधि बताई है। बोले क्या विधि है? इस नाम को यदि कोई किसी सद्गुरु के मुखारविंद से श्रवण करके ग्रहण करे तब जाकर इसके अंदर और शक्ति बढ़ जाती है, तब इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। एक उदाहरण देकर बता रहे हैं, आप लोगों ने पिस्तौल की गोली देखी है, एक गन जो होती है पिस्तौल, उसकी गोली देखी होगी, इतनी छोटी सी होती है, लोहे की बनी हुई होती है। अगर मैं यहां से उस गोली को उठाकर और किसी को मारूं, वो मारने पर क्या होगा, लोहे की बनी हुई है, कुछ ना कुछ प्रहार करेगी, कुछ ना कुछ आघात करेगी। लेकिन उसी गोली को अगर किसी बंदूक में भर के और फिर मैं फायर करूं तो क्या होगा, राम नाम सत्य है, वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। भैया वही तो गोली थी पहले, जब आपने हाथ से उठा के मारी तो उसके अंदर इतनी कम शक्ति, और उसी गोली को जब पिस्तौल में फायर करके और फिर मारा तो उसके अंदर इतनी शक्ति बढ़ गई। मतलब क्या है, ये भगवान का नाम यदि अपने आप लोगे तो कल्याण करेगा, निश्चित रूप में कल्याण करेगा। लेकिन यही भगवान का नाम यदि किसी सतगुरु के मुखारविंद से श्रवण किया तो इसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि आपको भवसागर से अनायास ही पार करा देगी। बोलो श्री सतगुरु भगवान की। एक उदाहरण के माध्यम से एक स्टोरी सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना और समझने की चेष्टा करना। एक समय पे क्या हुआ था, दो भाई थे, वो दो भाई में से एक भाई तो बहुत भजन करता था, आस्तिक था, और एक भाई ठाकुर का भजन नहीं करता था। अभी एक समय पर जो आस्तिक व्यक्ति था, जो भगवान का भजन करता था, उसने विचार किया कि मैं गुरुजी को घर में बुलाता हूं, घर में बुलाऊंगा, गुरुजी मेरे भाई को भी समझाएंगे ताकि ये भी भगवान का भजन करे। अभी गुरुजी जिस दिन घर में आए हैं, ये नास्तिक भाई विचार करने लगा कि गुरुजी मुझसे मिलेंगे तभी जाकर तो मुझे समझाएंगे, अरे मैं गुरुजी से मिलूंगा ही नहीं। उसने क्या किया, अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया। ध्यान देकर सुनो, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, गुरुजी घर में आए, सत्संग हुआ, सत्संग हो गया, लेकिन वो तो कमरे से बाहर आने को राजी नहीं। अभी गुरुजी जब वापस जाने वाले थे, वो भाई कहने लगा कि
गुरुजी आप जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, मेरे भाई को समझाने के लिए आए थे, वो तो हुआ ही नहीं। आप जरा मेरे भाई से बात कीजिए, उसको भी समझाने की चेष्टा कीजिए। बोले कहाँ है वो? बोले उसने अपने आप को कमरे में बंद करके रख रखा है। गुरुजी गए, दरवाजा खटखटाने लगे। बोले बेटा बाहर निकल, बेटा बाहर आ जाओ। बोले मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले बेटा एक मिनट के लिए दरवाजा तो खोल, बाहर आ जा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर कहने लगे, बोलो कृष्ण, बोलो बोलो कृष्ण बोलो। वो भाई कहता है कि मैं कृष्ण नहीं बोलूंगा। अभी गुरुजी कहने लगे कि भैया तुमने तो बोल ही दिया, तुमने तो कृष्ण बोल ही दिया, ना चाहते हुए भी तुम्हारे मुख से कृष्ण नाम उच्चारण हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये जो आज तुमने कृष्ण नाम बोला है, ये कृष्ण नाम मेरे मुख से सुन के तुमने जो बोला है, इसको कभी बिक्री मत करना, इसे कभी बेचना मत। ये कृष्ण नाम ही तुम्हें सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। अभी भगवत नाम में तो उसकी श्रद्धा थी नहीं, भगवान नाम में श्रद्धा थी नहीं, लेकिन तब पर भी उसने गुरुजी की बात सुन ली, मान लिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मधुरम मधुरम मेतत मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फल चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर मात्रेण तारयते कृष्ण नाम। ये एक कृष्ण नाम, ये भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। कहते हैं मधुरम मधुरम मेतत, मधुर से भी मधुर, मंगल से भी मंगल है ये भगवान का नाम। सकृद अभी परिगीतम, यदि कोई एक बार भी भगवान का नाम ग्रहण करे, भृगुवर नर मात्रेण तारयते कृष्ण नाम, अनायास ही वो इस भवसागर को पार कर लेगा। अभी इस भाई की जब मृत्यु हुई है, मृत्यु होने के बाद इसको लेकर गए यमलोक। चित्रगुप्त जी इसका खाता खोलने लगे। यमलोक के अंदर यमराज पूछ रहे हैं कि देखो इसने क्या पुण्य काम किया है, क्या पाप काम किया है, एक बार देखो जरा। तो उस समय पर देखने लगे कि इसने जीवन में कोई भी पुण्य काम नहीं किया, पूरे जीवन पाप काम ही किए हैं। अपना भाई जो भजन करता था उसकी निंदा और करता था। यमराज बोलने लगे कि ध्यान से देखो, कुछ तो किया होगा, ध्यान से देखो। तब वहां पर कहने लगे कि हाँ, इसने एक बार गुरुजी घर में आए थे, उनके मुख से सुन के कृष्ण नाम लिया है। बोले एक बार कृष्ण नाम की क्या महिमा है, ये तो मैं जानता ही नहीं। उससे पूछने लगे कि तुम एक बार कृष्ण नाम का फल पहले लेना चाहते हो, ना जीवन भर जो पाप काम किया है उसका फल लेना चाहते हो? बोले हम कृष्ण नाम का फल मुझे पहले दे दो। अभी यमराज सोच रहे, भैया एक कृष्ण नाम यदि कोई सद्गुरु के मुख से सुन के ग्रहण करे, उसका क्या फल है, मैं तो नहीं जानता। चलो हम जाएंगे ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी जरूर बता देंगे कि एक कृष्ण नाम का क्या फल है। उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को लेकर जब ब्रह्मा जी के पास में जा रहे थे, वो कहने लगा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे पालकी पर लेकर जाओ। ध्यान से सुनो माताएं, मुझे पालकी पर लेकर जाओ। बोले ठीक है। उसे पालकी पे बिठाया। चित्रगुप्त और यमराज ये दोनों आज उस पापी व्यक्ति को पालकी पर लेकर जा रहे हैं ब्रह्मलोक। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है जिसको चित्रगुप्त और यमराज दोनों लेकर आ रहे हैं, आरती का थाला सजा कर आ गए। बोले भैया लगता है बहुत कोई पुण्य आत्मा आ रही है, इसकी आरती करनी होगी, स्वागत करना होगा। इसे ब्रह्मा जी आरती का थाला लेकर वहां पर उपस्थित हुए हैं। उनको थाला लेकर देखते हुए चित्रगुप्त और यमराज दोनों कहने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये कोई पुण्य आत्मा नहीं है, हम तो फंस गए, ये चाहता है एक कृष्ण नाम का फल, और हम तो एक कृष्ण नाम का क्या फल है जानते नहीं, दया करके आप ही बता दीजिए। अब ब्रह्मा जी जिनके मुख से चारों वेद निसृत हुए हैं, वो भी भगवान नाम की महिमा से इतने अवगत नहीं। ब्रह्मा जी भी अपने चार मुखों से सब समय भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी भी अपने चारों मुखों से भगवान का नाम जप करते हैं। उनसे जब पूछा, कहने लगे कि हम भी नहीं जानते, तो कहने लगे चलो हम शंकर जी के पास में जाएंगे। ठीक है, शंकर जी के पास में जाएंगे तो लग जाओ आप भी पालकी में। अभी क्या हो रहा है, चित्रगुप्त यमराज और ब्रह्मा जी ये तीनों लोग उस पापी व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं कैलाश। शंकर जी ने जैसे ही देखा कि एक व्यक्ति को पालकी पर लेकर आ रहे हैं इतने बड़े बड़े महारथी, वो भी पार्वती के साथ में आरती थाला लेकर उपस्थित हुए हैं,
सब कहने लगे कि नहीं 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 इनकी थाले में आरती मत उतारो, ये बड़े ही पापी व्यक्ति हैं। बोले क्यों, आप तो इनको पालकी में लेकर आ रहे हो। बोले हम तो फंस गए, एक कृष्ण नाम का क्या फल है ये आप लोग बताइए। उस समय पर शंकर जी ये भी मन मन विचार कर रहे हैं कि एक कृष्ण नाम का क्या फल। यदि नामापि हरत्य शेषम गिरी प्रसारान पाप राशि के नाप्य हो भीषण चोरे द्रे दृष्ट श्रुतो वान मया कदापि। कहते हैं एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है, एक पाप का पर्वत समान आकार क्यों ना हो उस पाप को भी नष्ट कर देगा केवल एक कृष्ण नाम। ये कृष्ण एक ऐसे चोर है हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के समस्त पाप को नष्ट कर सकते हैं, केवल मात्र एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति। जब शंकर जी भी कृष्ण नाम की महिमा नहीं कह पाए तो उस समय पर शंकर जी भी अब लग गए हैं पालकी में, और अभी ब्रह्मा जी, शंकर जी, चित्रगुप्त और यमराज ये चारों के चारों उस पापी व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं वैकुंठ प्रभु विष्णु के पास में, जानना चाहते हैं भगवान नाम की क्या महिमा है। अभी वैकुंठ में जैसे ही उन चारों ने प्रवेश किया है, नारायण वहां पर शरशैया पर लेटे हुए थे, उनसे प्रश्न करते हैं कि आप कृष्ण नाम का फल बताइए। तब प्रभु स्वयं कहने लगे कि आप लोग अब तक समझे नहीं। बोले नहीं, बोले एक कृष्ण नाम का यही फल है, उस व्यक्ति को ले आओ और वो व्यक्ति को मेरी गोद में बिठा दो। एक सदगुरु के मुख से श्रवण करके यदि कोई एक बार भी कृष्ण नाम ग्रहण करे उसकी इतनी महिमा है कि साक्षात चित्रगुप्त, साक्षात यमराज, साक्षात ब्रह्मा और शंकर उसको पालकी पर लेकर आते हैं, और वह स्थान कहां पाता है, बोले मेरी गोद में। इतना सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ पद का अधिकारी हो जाता है केवल मात्र एक कृष्ण नाम से। बोलो श्री हरि नाम प्रभु की। इस कथा के माध्यम से देखो, समझने की चेष्टा करो, भगवान नाम में इतनी शक्ति है, यदि कोई सदगुरु के मुख से श्रवण करके एक बार कृष्ण नाम ले, एक बार राम नाम ले, तो उसको भगवान की गोद में स्थान मिलता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है कलयुग के अंदर ये कृष्ण नाम, ये हरि नाम। इस हरि नाम का आश्रय लेकर क्या करो, अपना मानव जीवन सार्थक करो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
Thank you.